सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत प्यार है। और पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के सामने आ नहीं पाया और सबको किसका कारण मालूम था कि मैंने पहले कहा था कि जो कमर में समस्या थी उसकी सर्जरी करानी थी। और ये सर्जरी में डॉक्टर ने कहा था आपको कछुए की चाल चलना है। तो कछुए की चाल चलना है तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट है। पर फिर भी सर्जरी हो गई है, सक्सेसफुल हुई, पर फिर भी मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और एक एक्टिव शरीर जो बहुत ज़्यादा चलता फिरता हो, क्रियाशील हो, वो चलता फिरता है, तो अभी शरीर ऐसा है कि जो न योग कर पा रहा है, न ध्यान कर पा रहा है, और न ही क्या कहते किसी तरह से कर रहा है, ध्यान तो लेटे लेटे कर रहा है, योग तो कर नहीं पा रहा है, न चलने की ज़्यादा मनाही है, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा बैठने की मनाही है, पर 10-5 मिनट चलने की वो है। पर यह है कि धीरे धीरे वो चीज़ परमानेंट सॉल्व हो गई है। और उम्मीद कीजिए आप लोग कि दीपावली सॉरी हमारा जो शिविर होगा, शिवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर होता है, उस शिविर तक मैं और माता जी आपको बिल्कुल 100% फिट मंच पे मिलेंगे। और आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि आवाज़ मेन चीज़ होती है पकड़ने की, कि आवाज़ से पकड़ा जा सकता है कि गुरु जी स्वस्थ हैं कि नहीं। स्वस्थ हैं, सारी रिपोर्टें ठीक ठाक हैं, सारी न्यूट्रल सब अच्छी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर कछुए की चाल में काम होगा ये, धीरे 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 धीरे। और अभी यहाँ तक कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका भी फंक्शन शुरू नहीं हुआ, उनका भी 3 महीने बाद शुरू होगा। तो अगर पड़े पड़े थोड़ा आदमी का वजन भी बढ़ सकता है, थोड़ा आदमी का बेडोल भी हो सकता है, तो 3 महीने बाद वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और बहुत खुश हूँ, एक भी सोचे भी ऐसा शिष्य नहीं मिला है जिसका नाम आया हो जो हैरान परेशान ना रहा हो इस संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में। मुझे सभी शिष्यों पे दुलार, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा ढेर सारा हृदय से आह्लाद और आशीर्वाद निकल रहा है इस घोर कलयुग में। इस घोर कलयुग में जहाँ पे हम डॉक्टर ने तो मुझसे कहा कि आप पढ़ो पढ़ो, आपका काम किया करो, बिस्तर रिलेटेड पिक्चर और सिनेमा देखते रहा करो। तो कभी कभी बीच में ये ऐसा समय आया जिसमें पिक्चर सिनेमा देखा, बुद्ध को भी देखा, सब चीज़ देखी, पर इसमें यही देखा कि ये घोर गरीबी, घोर मारकाट, कैसे कैसे लोग हैं। जब सिनेमा देखा तो ऐसा लगा बाप रे बाप, ये क्या वेब सीरीज है, क्या सिनेमा में किस लोक में आ गया, कहाँ आ गया। तब मैंने अपने शिष्यों को बहुत ढेर सारा प्यार दिया कि आज भी मेरे शिष्य इस गंदगी से, इस सोच से, यहाँ पे पैसा ही सब कुछ है, जहाँ हर चीज़ सब कुछ है, हम लोग 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार में काम चलाने वाले लोग हैं। मुझे तो कभी नहीं लगता कि लाखों करोड़ों और अरबों में बात की जाए, मैंने कभी करोड़ों और लाखों में बात नहीं की है। 2000 इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये को भी बहुत श्रद्धा से स्वीकार करके उसमें भी खुश और प्रसन्न रहते हैं। और ये ईश्वर की बहुत बड़ी, बड़े गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा रही और शिष्यों के चेहरे याद आते रहे। मुझे फ़ोन पर निरंतर पता चलता रहा, आप लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, आप लोग आ रहे थे। पर चूंकि बात ये थी कि मैं भी फिर बहुत बिना ब्रेक की गाड़ी हूँ, अगर आप लोगों से मिलने के लिए मुझे मनाही इसलिए है क्योंकि मैं मिलूंगा और 10 मिनट ज़्यादा नहीं बैठना है, कभी जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाती सारी चीज़ें उसके बाद ही बैठना है। 10-15 मिनट पता नहीं चलेगा बातों बातों में, 15 मिनट की जगह मैं 45 मिनट बैठ जाऊँगा जो फिर मुझे दिक्कत कर सकता है। 3 महीने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है जीवन में। हाँ, इसमें आपको भी समझना पड़ेगा कि पहले गुरु जी बोलते थे, माता जी बोलते थे आ जाओ दीक्षा ले लो, आप लोग आलस करते थे। गुरु का क्या महत्व है, गुरु के साथ बिताए क्षणों का, शिविरों का क्या महत्व है, ये अब आप भविष्य में ध्यान रखना। जब कभी भी हम फिर मिलेंगे बैठेंगे तो आप वो मौके मत चूकिएगा छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक बातों के लिए, छोटी छोटी ये टीवी सीरियल फिल्मों की बातों के लिए। गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आते रहना चाहिए, अध्यात्म के क्षेत्र में चलते रहना चाहिए। और भले ही मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बाय एग्जर्शन नहीं ले पाया हूँ, पर हर शिष्य को याद करता रहा, हर शिष्य को आशीर्वाद देता रहा, चैतन्यता उतनी ही बनी हुई थी, आवाज़ में उतनी ही चैतन्यता है। ठीक है, समय और कार्य परिस्थितियाँ आती हैं, हमने अपने जीवन में 2 तरह की परिस्थितियाँ देखी। एक परिस्थिति देखी थी कोरोना काल में जब शिष्यों से दूरी हो गई थी ना चाहते हुए, और अभी 3-4 महीने का समय ऐसा आ गया
जिसके कारण ऐसी चीज हो गई। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह से, जब वो अलाउ कर देगा मुझे कि आप मिल सकते हो, बैठ सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, तो मैं मिलूंगा। और इसके साथ ही मैं सीमित वे में मिलना शुरू कर दूंगा, या वीडियो कॉल पे वो बात कर दिया करूंगा आपसे। ये मैं वो भी अभी उसमें भी टाइम लगेगा, मान के चलिए 20 से 25 दिन का मान लीजिए आप। वीडियो कॉलिंग में मैंने आपसे बात कर ली, वीडियो कॉल के थ्रू आपसे आपके को देख लिया, आपसे बातचीत कर ली, ये सिस्टम को मैं लागू कर दूंगा। और आप लोग को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और दीक्षा ले आप आते रहिए भोपाल। भोपाल का साधना सिद्धि विज्ञान केंद्र कहीं बंद नहीं होता, चलता रहता है, पत्रिका भी मैं लेटे लेटे लिखाता रहूंगा। माता जी बहुत एक्टिव हैं, और माता जी का एक साथ है, एक संकट है कि वो संकट की घड़ी से खींच कर ले आई, निकाल कर ले आई, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार बहुत बुरा भी लगता है, हम मनुष्य का शरीर है, डिप्रेशन भी आता है, एक अकेलापन भी लगता है, शिष्यों के बिना बहुत खालीपन भी लगता है, पता नहीं लगता है कहाँ कहाँ फंस गए, क्या हो गया, ये क्या कैसे हो गया। पर समय और काल की बात होती है, समय काल से कोई नहीं बच पाता। राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 14 साल तक दूर हो गए थे अपनों से। ये कृष्ण के साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, तो 7-6 महीने की दूरी या 2-4 महीने की दूरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर हाँ, इस बात का बहुत गर्व है। फिर बार बार एक ही बात पूरे इसमें रिपीट किए, एक भी शिष्य ऐसा नहीं मिला जो जिसने गुरु को याद न किया हो, जिसने गुरु की के प्रति चिंता न हृदय से चिंता न व्यक्त की हो, स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ न की हो। फोन आते रहे, शिष्य अटेंड करते रहे, स्टाफ भी बहुत दुखी है, स्टाफ पूरा लगा रहता है। 2 लड़के दिन भर मेरे साथ रहते हैं स्टाफ के, 2 लड़के पूरी रात मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि अभी भी उनको मुझे कोई जरूरत पड़े तो 2 पारी पारी से ड्यूटी करते रहते हैं। स्टाफ जो 24 आवर ड्यूटी करता है, उसकी उसका क्या क्या कहूँ उनके लिए, उन बच्चों के लिए। वो उनकी पुण्याई है, उन्होंने गुरु सेवा की है इतनी। और बहुत सारे शिष्यों ने बहुत बहुत त्याग किया, बहुत गुरु सेवा की है, बहुत उनके लिए, अब नाम क्या लूँ, अनंत है, पर उन सबके लिए वो मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने 1 रुपये की गुरु सेवा की है तो 1 करोड़। बेटा ये कुर्सी ले, नहीं नहीं कुर्सी नहीं, 1 करोड़ के बराबर कुर्सी लाओ ना। और ये माता जी आ गई, और बहुत बेकार हॉस्पिटल के दिन होते हैं, कहाँ माँ बैठो ना, कोई आपको एक, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रेजेंस ही सब कुछ है, मैं कोई आपको प्रवचन देने के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रवचन देने के लिए ये नहीं है कि मेरा है। और कोशिश तो मेरी ये रहेगी हफ्ते में एक बार आपको 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपके सामने इस पे आता रहूं, कुछ धीरे धीरे कुछ शुरू करता रहूं, दीपावली के दिन भी कुछ थोड़ा बहुत करा दूं आपको, ऐसा करता रहूं, जिससे कि आप एक जो जो चीज चल रहा है चलते रहे, और शिष्य आते रहे, 20 की संख्या 25 50 आते रहे, माता जी उनको संभाले नहीं, मिलती रही, जिद भी करते गुरु जी से मिलना है, पर अब उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा रहा है आप लोगों के साथ, कि बिल्कुल खड़े रहे, और माता जी का तो कुछ कहना ही सारा उनका रोल रहा है, और मैंने उनने वही उनने कहा तो मैं ले आऊंगी, डॉक्टर से बात करना, संभालना, सारी चीजें करना, देखना, जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने अपना ये कई 1000% झुका और इस तरह से निकाला। यही है ना, 10 मिनट ज्यादा बैठना नहीं है, 15 मिनट ज्यादा बैठना नहीं है, कभी चलने में भी हल्का सा पेन आ जाता है, अभी बहुत शरीर कच्चा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का रीढ़ की हड्डी का मामला है, अभी सर्जरी हुई है और अभी शरीर कच्चा है, तो इस कच्चेपन को अभी इसमें कोई भी डॉक्टर की बस एक ही शब्द, कछुए की चाल चलना पड़ेगा, खरगोश की चाल नहीं चलना पड़ेगा, तो उसकी बात को मान के कछुए की चाल चल रहा हूँ धीरे धीरे। और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को बूस्ट करेगा, अच्छे से नींद देगा, तुम लोग मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे हो, और हाँ हाँ नए साल में तो हो, नए साल में भी होगा, दीपावली में भी कुछ देर के लिए होगा, नए से होंगे, बस इतना इशारा पर किया है, जैसा डॉक्टर कहेगा वैसा कर लिया करेंगे, और कम ज़्यादा आप लोग साथ। हाँ, शिवरात्रि से फुल फेयर कार्यक्रम होंगे और मंच पे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, और आप लोगों को ढेर ढेर सारा आशीर्वाद है, जय रहो, खूब सुखी रहो, गुरु मंत्र का जाप अच्छे से करते रहो, बड़े गुरु जी पर श्रद्धा विश्वास उन पे ही रखा है, वही केवन आ है,
और सब कुछ मैंने अपना उन्हीं पर डाल रखा था, और उन्होंने ही जो किया अच्छा किया, जो करते हैं अच्छा करेंगे। बस इससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है, ढेर सारा।